हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी शर्मा। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है एनाटॉमिक। हम आज नेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि हमारे नेल्स के साइड पे जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं। बिकॉज हमें नेल एनाटॉमिक के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो एक नेल आर्टिस्ट को, क्योंकि हम खुद सीखते हैं जो सिखाते हैं हम, और जिस फील्ड में हम काम करते हैं उसके बारे में हमें अगर नॉलेज ना हो तो वो अनप्रोफेशनल लगता है। तो सबसे पहले हमें खुद को होनी चाहिए नॉलेज, ताकि हम दूसरों को भी दे सकें। आज हम नेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। और हाँ, वीडियो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना। ये है हमारे नेल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री एच एरिया की। ये है हमारा फ्री एच एरिया, इसको हम फ्री एच एरिया कहते हैं। जो हमारा नेल बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसको हम फ्री एच नेल कहते हैं। ये तो चलो मेरी नेल एक्सटेंशन है, मेरे ग्रोथ नहीं है, नहीं मैं आपको दिखाती। बड़े हुए नेल को हम कहते हैं फ्री एच नेल। अब वहाँ आते हैं, फ्री एच नेल हो गया अब कंप्लीट। अब नेल प्लेट, जो हमारी नेल प्लेट है, जो हमारी ये नेल प्लेट है, इसको हम, ये हार्ड होती है जो फ्री एच एरिया के बाद जो पहले इतनी सी होती है, इसको हम कहते हैं नेल प्लेट। हमें नूनूला, ये होता है हमारा वाइट पार्ट नेल्स का, जैसे कि दिस वन, ये है, ये नूनूला है। अगर इस पे चोट लग जाए तो हमें बहुत, नेल आर्टिस्ट को बहुत ध्यान से काम करना चाहिए या करते हैं। तो अब आता है क्यूटिकल, जो हमारे नेल्स के साइड्स पर होते हैं, नेल प्लेट और नेल के साइड में यहाँ पे होते हैं, जिसको हम ना क्यूटिकल कहते हैं। मैं आपको डीपली दिखाती हूँ, जो ये साइड्स पर होते हैं इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। और ये मेंटली जो हमारे नेल की ग्रोथ यहाँ तक होती है, हमारा नेल अंदर, इसको हम मैनिक्यूल कहते हैं। ये हो गया हमारे इतने। अब हमारा आता है हाइपोचोनिक, ये हमारा क्यूटिकल का ही पार्ट आता है। क्यूटिकल के ही इसको हम, जो हमारे यहाँ का नेल्स होते हैं इसको हम क्यूटिकल के ही पार्ट में आता है, इसको हम हाइपोनिचम कहते हैं। अब आता है नेल ग्रूव। नेल ग्रूव जो हमारे नेल के कॉर्नर होते हैं, ये चीज़ ग्रूव की तरह होती है ये एक, इसको हम नेल ग्रूव कहते हैं। अब आते हैं नेल वेल। नेल वेल जो हमारी साइड्स की ये चीज़ होती है, हमारी साइड्स नेल की, इसको हम कहते हैं नेल वेल। अब नेल बेड, जो हमारी हार्ड नेल प्लेट होती है, हमारी हार्ड ये नेल प्लेट होती है, इसके नीचे की जगह, जैसे जैसे पिंक पिंक होती है, उसको हम नेल बेड कहते हैं। अब आता है मैट्रिक्स, ये हमारे ना नेल्स जहाँ पे ग्रोथ होते हैं वहाँ पे होते हैं, क्यूटिकल के बाद थोड़े से यहाँ पे होते हैं मैट्रिक्स। ये हमारे नेल का स्ट्रक्चर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि नेल स्ट्रक्चर को किसको क्या कहते हैं।